नमस्कार, आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक जन्म कुंडली के साथ में। ये एक जातक की जन्म कुंडली है। इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेंगे। कुछ तरीके से मैं बताऊंगा आपको, उस तरीके से जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करिए। कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ सिखाने को मिलेगा। सबसे पहले इनका डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए, उसको जन्म कुंडली खोल लीजिए। 9/5/1995, 9 तारीख, पांचवा महीना, मतलब मई 1995, शाम के 7:18, शाम का मतलब 17:18, पटना का जन्म है, बिहार में। इनके पिता ने इनकी डेट ऑफ बर्थ भेजी है, उन्होंने कुछ प्रश्न भी पूछे हैं, उन प्रश्नों को भी जो है शामिल करते रहेंगे। क्या लिखा है ये समझ लीजिए पहले। सबसे पहले तो उन्होंने पहला पॉइंट ये लिखा है कि गुरुजी काफ़ी समय से ज्योतिष का अध्ययन शौकिया दौर पे कर रहे हैं, मतलब कई काफ़ी समय से आप जो है ज्योतिष सीख रहे हैं या उसका अध्ययन कर रहे हैं। एक प्रश्न आपने इसमें ये भी डाल रखा है, जो आपने पितृदोष बताया था, कुछ जगहों पे अच्छा होता है ऐसा आपने वीडियो में बोला, क्या मेरे बेटे की जन्म कुंडली में भी वो अच्छा है? एक अच्छा प्रश्न पूछा है आपने और पहला पॉइंट पूछा है। पितृदोष की अगर हम बात करें, आपके बच्चे की जो जन्म कुंडली में है, सूर्य और केतु, ठीक है, राहु से दृष्ट है, तो कहीं ना कहीं पितृदोष का निर्माण करता है। आपका यह भी प्रश्न आपने किया है कि क्या अच्छा है, क्या फलित होगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इनके जीवन में। एक अहम बिंदु जिसको आपको समझना बेहद जरूरी है, पितृदोष। बहुत सारे ऐसे दोष हैं, चाहे आपका जो है चंद्रमा राहु गुरु के साथ बैठ जाए, राहु या केतु चंद्रमा के साथ चले जाएं, बहुत सारे ऐसे जो है दोष बनते हैं जो इसको दिखाते हैं। और पितृदोष ऋषि मुनियों ने या शास्त्रकारों ने इसको बहुत खराब बताया, लेकिन कुछ अवस्थाओं में उसकी काट है। ये काट मैंने एक बार और डिस्कस की थी, मैंने आपको बताया था, आज फिर मैं कुछ आपको हिंट देता हूं। देखिए, इनके ग्रह नक्षत्रों की पहले बात कर लेते हैं। तुला लगन की पत्रिका है, लग्नेश की स्थितियां अगर देखी जाए, लगन में राहु, माफ करिए, राहु लगन में बैठा है, राहु को बैठाना भूल गया। राहु अगर इनका देखा जाए 11:09 पे, अब राहु बैठ 9 पे, और इनका राहु अगर देखा जाए अपने ही नक्षत्र में है, स्वाति नक्षत्र, मतलब राहु का अपना नक्षत्र। ऐसे में कहा जाएगा लगन का मालिक शुक्र बनेगा। शुक्र इनकी जन्म पत्रिका में अगर देखा जाए मीन राशि में, मीन राशि अपना ही घर का कहलाएगा, ऐसे में कहा जाएगा बलि। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में अगर देखें, देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक राशि का अधिपति जो है मंगल बनेगा, और मंगल कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा जल तत्व की राशि है, वृश्चिक राशि स्थिर राशि कराएगी, स्थिर, और कहीं ना कहीं मित्र कहलाएगी देवगुरु बृहस्पति की। मैं लेकिन बहुत बहुत जन्म कुंडली में या मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहता हूँ, देवगुरु बृहस्पति जब भी चंद्रमा की राशि में बैठे, मतलब मंगल की राशि में बैठे, और मंगल अगर कहा जाए जल तत्व की राशि है, कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, अभी डिस्कशन करेंगे, मैं बताऊंगा आपको किन चीज़ों में नुकसान करता है। शनि अगर देखा जाए अपनी मूल त्रिकोण राशि में, पंचम भाव में, जिसे हम लोग कहते हैं मूल त्रिकोण, और मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है पंचम भाव में। शनि अगर कहा जाए पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में, वायु तत्वी राशि स्थिर राशि ये कहलाती है, सूर्य केतु का योग अभी बात करते हैं। बुध अगर देखा जाए तो अष्टम भाव में बैठे हैं, 15:46 पे रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र कहलाएगा। दसम भाव में नीच के मंगल, और लाभ भाव में अगर देखा जाए चंद्रमा 13:22 पे पूरा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में। अब पहला प्रश्न का ले लेते हैं, क्या इन्होंने किया है। मेरा रियल इस्टेट, आपका जो है रियल इस्टेट का काम है, मतलब जमीन या बिल्डिंग बनाने का काम है, रियल इस्टेट का काम है, क्या मेरा पुत्र भी मेरा साथ देगा मेरे काम में, यही काम करे क्या, ऐसा संभव है? चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका जो है अपने काम से संबंधित है, और पुत्र को भी आप चाह रहे हैं कि रियल इस्टेट का काम करे।
देखिए रियल एस्टेट का काम अगर कहा जाए तीन ग्रह दिखाते हैं, शनि, मंगल और राहु। इनकी जन्म पत्रिका में देखा जाए शनि जो है पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में वायु तत्वी राशि में स्थिर राशि कहलाती है। सप्तम दृष्टि से लाभ को देखेंगे, लाभ भाव में चंद्रमा बैठा है। मंगल अगर इनकी जन्म पत्रिका में देखा जाए कर्म भाव में बैठे हैं नीच के मंगल। ऐसे में कहा जाएगा कि शनि की सप्तम दृष्टि, शनि इनकी जन्म पत्रिका में चतुर्थ के स्वामी और पंचम के स्वामी हो के पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में, ये इनका आप कर सकते हैं कह सकते हैं, लेकिन ये करने पे बहुत ज़्यादा इनका मन नहीं लगेगा। उसका दो कारण है। अगर इनकी जन्म पत्रिका में देखा जाए मंगल नीच के हैं, नवमांश में अगर मंगल की बात करें तो मीन गुरु के नवमांश में है, देव गुरु बृहस्पति। अगर लग्न पत्रिका में कहा जाए तो बलि अवस्था में द्वितीय भाव जो कि धन भाव कहलाएगा, और जन्म कुंडली में अगर कहें तो इनका तृतीय के स्वामी है और छठे के स्वामी है। चंद्रमा से अगर देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में, अच्छा संकेत नहीं। देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए ज्येष्ठा नक्षत्र का पहला चरण जो कि बुध का नक्षत्र कहलाएगा, और डिग्री में अगर देखें 19 डिग्री 30 कला पे, पूर्ण रूप से बलि अवस्था में 19 डिग्री 30 कला पे देव गुरु बृहस्पति बुध के नक्षत्र में, बुध अगर कहा जाए तो नवे भाव का स्वामी और द्वादश का स्वामी हो के जो है बुध अष्टम भाव में है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि अष्टम भाव में बुध को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, ऐसे व्यक्ति जो है अगर कहें थोड़ा सा कंजूसी करेगा, अपने धन को बचाने की कोशिश करेगा, दूसरे के धन पे जो है नजरें ज्यादा रहती ऐसे लोगों की, इसका कारण है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। देखिए भाग्य का स्वामी, इसके बाद अगर देखा जाए द्वादश, द्वादश मतलब व्यय, किसी प्रकार का व्यय चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो धन का हो। अगर इसमें देखा जाए बुध जो है पंचम, बुध से पंचम भाव में उसकी राशि, बुध से द्वितीय भाव में उसकी राशि, द्वितीय भाव क्या है भाग्य है, और द्वितीय भाव क्या है धन का, धनेश या धन का भाव कहलाता है। अगर बुध से देखें, आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा से बुध दशम भाव में, ऐसे में कहा जाएगा मंगल नीच के होने के कारण मंगल की पंचम चतुर्थ दृष्टि अगर देखा जाए लगन में पड़ेगी, लगन जो है राहु का है। मंगल अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि अष्टम दृष्टि अगर देखा जाए शनि में पड़ेगी, और ये पंचम भाव है। पिता का मालिक जो है बनेगा बुध, बुध जो है अष्टम भाव में है और देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट है। ऐसे में कहा जाएगा गुरु की सप्तम दृष्टि बुध पे, गुरु की नवम दृष्टि कर्म पे, गुरु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए शुक्र पे। ऐसे व्यक्ति पिता हो गए बुध, पिता की बात कम ही मानेंगे कार्य क्षेत्र को लेके, और सबसे बड़ी बात है कि शनि का किसी भी प्रकार से संबंध जो है कर्म भाव से नहीं बन रहा है, और जो बन रहा है वो पीड़ादायी है। पीड़ादायी कैसे ये समझ लीजिए, कर्म अधिपति चंद्रमा, चंद्रमा का लाभ भाव में बैठना, शनि की सप्तम दृष्टि पड़ना, एक संबंध बनाना। शनि और चंद्रमा का अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि चंद्रमा की शनि पे, शनि की चंद्रमा पे, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने काम और कर्म भाव में मंगल का बैठना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है अपने काम या पुरखों, ये पुरखे भी हैं आपके, पिता के कुछ गुण यहां से भी देखे जाते हैं, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि पूरा पिता यही है। पिता के कुछ कामों की पिता के कामों की तरफ व्यक्ति जो है शनि की सप्तम दृष्टि और मंगल का नीच का होना, गुरु की पंच नवम दृष्टि मंगल पे पड़ना, तो कहीं ना कहीं पिता की कार्यों पे व्यक्ति का बहुत ज्यादा मन नहीं लगेगा। देव गुरु बृहस्पति भले ही जो है मंगल पे दृष्टि डाल के उसका नीच भंग जो है कर रहे हैं, एक चीज और समझ लीजिएगा, देव गुरु बृहस्पति यहां मित्र की राशि जो कि मंगल बनेगा, स्वाभाविक सी बात है यहां से नीच भंग इसका हो गया मंगल का, लेकिन मंगल अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ पाएगा, जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित चीजों में व्याधि देगा, ये नियम सीख लीजिए। केवल यहां पर मत ज्योतिष सीखिए कि केवल आपने कह दिया कि मंगल जो है देव गुरु बृहस्पति मंगल की राशि में बैठ गए निजभंग हो गया सभी भाव जो है शुद्ध हो गए, ऐसा नहीं है।
खासकर अलग अलग ग्रहों का अलग अलग देखने का तरीका होता है। जैसे शनि के लिए कहा जाता है, शनि का अगर नीच भंग हो रहा है तो शनि की तीसरी दृष्टि और दसवीं दृष्टि अच्छी नहीं कहलाती है। बहरहाल मंगल की अगर हम बात करें तो एक चीज और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, देवगुरु बृहस्पति जब भी ज्येष्ठा नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, पूर्वा नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में बैठते हैं तो पूर्ण रूप से बलि होते हैं। 27 नक्षत्रों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, 27 नक्षत्रों में, इन चार नक्षत्रों में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठ रहे हैं तो उनको पूर्ण रूप से बलि माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति आपके कामों को पार्ट टाइम कर सकता है, सोच विचार कर सकता है, लेकिन हरदम दुखी रहेगा, ठीक है, हरदम दुखी रहेगा कि मुझे जबरदस्ती डाला जा रहा है। अब आपका दूसरा प्रश्न है, उसके लिए क्या करना अच्छा होगा। देखिए शनि अगर देखा जाए सप्तम भाव में, सप्तम दृष्टि चंद्रमा पे, चंद्रमा मन है, चंद्रमा अगर देखा जाए कर्म का मालिक है, ठीक है, चंद्रमा अगर देखा जाए कर्म का मालिक है और लाभ का स्वामी हो के सप्तम भाव में सूर्य बैठा है। इस जन्म पत्रिका में शनि के दो भाव, सभी की जन्म पत्रिका में मकर और कुंभ, शनि की दो राशि और दो भाव। शनि क्या है, शनि जन्म पत्रिका में अगर कहा जाए जनता है, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जो लोग आपसे जुड़े हैं, जनता को कहा जाता है कि चतुर्थ भाव से देखा जाता है। जनता का मालिक मूल त्रिकोण राशि लक्ष्मी स्थान में सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा, शनि और चंद्रमा का योग अगर कहलाएगा तो ये कहा जाएगा व्यक्ति का जनता के बीच में बड़ा मन लगेगा, लोगों की सेवा करने में बड़ा मन लगेगा, लाभ का स्वामी सूर्य बनेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि 24 डिग्री 36 कला पे भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में, भरणी नक्षत्र राहु का नक्षत्र कहलाएगा, राहु इनके लगन में बैठे हैं, मतलब सर पे बैठे हैं, ठीक है, एक सर पे बैठे हैं। ऐसे में एक संबंध बन रहा है शनि का चंद्रमा के साथ, चंद्रमा का कर्म भाव के साथ, लाभ का अगर देखा जाए सूर्य के साथ, और चतुर्थ भाव का अगर देखा जाए पंचम भाव में। ऐसा व्यक्ति ऐसे काम करेगा, कोई एनजीओ हो गया, जो पब्लिक से जुड़े हुए काम हो, मैं यहां पॉलिटिक्स की नहीं बात कर रहा हूं, सूर्य पे राहु का ग्रहण यहां पर पॉलिटिक्स कम कराएगा, लेकिन इसको अधिकारी राजनेता बड़ा पसंद करेंगे, बहुत पसंद करेंगे, अधिकारी हो गया, राजनेता हो गया, बहुत पसंद करेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। राहु जब भी लगन में बैठता है, राहु जब भी लगन में बैठता है, और लगन अगर देखा जाए राहु का अपना ही होता है, ध्यान से समझिएगा, जब भी राहु लगन में बैठे, लगन अपना हो और राहु के पास डिग्री बल अच्छा खासा हो, मतलब लग मान के चलिए 10 डिग्री से लेके 18 डिग्री के बीच का बल हो, और सूर्य कहीं ना कहीं सूर्य अगर उसके चपेट में आ जाए, दोनों में डिग्री का बल दूरी हो, मतलब सूर्य राहु अगर दृष्टि डाल रहा राहु के ऊपर तो भी डिग्री का दूरी होनी चाहिए, केतु के साथ या राहु के साथ बैठा है तो भी डिग्री का दूरी होना चाहिए। ऐसे लोग सरकारी तंत्र अधिकारियों से अच्छा लाभ कमाते हैं। अब यहां पर बात आई कि समाज सेवा करेगा, पब्लिक से धन कमाएगा, ठीक है, लेकिन यहां समाज सेवा का एक और तर्क है। शनि की सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी है, चंद्रमा कर्म का मालिक और कर्म भाव में मंगल का बैठना, मंगल की सप्तम दृष्टि अगर देखा जाए चतुर्थ भाव पे पड़ना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति ऐसा भी नहीं कि सब लुटाने वाला, पब्लिक से ही कमाएगा, इतना सीधा मत समझ लीजिएगा कि केवल पब्लिक के लिए ही काम करेगा। पब्लिक एक मानेगी वो 10 कमाएगा, ठीक है, वहां से वो अच्छा खासा अन्न करेगा। शनि और चंद्रमा का योग बताता है अर्न करना, शनि की तीसरी दृष्टि बताता है कि कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से व्यक्ति जो है जुड़ेगा, राजनेताओं से, सरकारी लोगों से उसको लाभ मिलेगा, ठीक है, सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा। पॉलिटिक्स की अलग बात हो गई, सरकारी तंत्र या प्राइवेट में अलग बात हो गई। इसके बाद आपने पूछा है जीवन में कितनी सफलता मिलेगी, सफलता के लिए निश्चिंत रहिए इस जन्म पत्रिका में, जैसा मैंने अभी समझाया कि लाभ का सप्तम से, पंचम का लाभ से, कर्म का लाभ पंचम सप्तम दशम एकादश, देवगुरु बृहस्पति का वहाँ पर आशीर्वाद, नवम दृष्टि मंगल पे पढ़ना, पंचम दृष्टि अगर कहा जाए शुक्र पे पढ़ना, और शुक्र इस जन्म पत्रिका में जान है, शुक्र इस जन्म पत्रिका में जान है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बेहद सफल होगा, पिता से ज़्यादा सफल अगर कहा जाए तो पुत्र होगा, इसके भी कई योग होते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो,
ठीक है, कुछ प्रश्न और बचे हैं उसको ले लेते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न है वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अब यहां पर बात आएगी आपकी, जो आपने सबसे पहले कहा था कि ग्रहण पितृदोष। देखिए सूर्य अगर कहा जाए जिस राशि में है, सूर्य इनका अग्नि तत्व की राशि, चर राशि, एक दिक्कत यहां अग्नि तत्व की है, सूर्य अलगाववादी है, उसके बाद एक और दिक्कत है चर राशि है, उसके बाद एक और दिक्कत है राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ना। इस जन्म पत्रिका में कोई भी हो, आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग को ये पता होना चाहिए, हालांकि ये YouTube में नहीं मिलेगा, फिर भी मैं अपने कार्यक्रम में कुछ ना कुछ आपको अलग बताता रहूँगा। जब भी विवाह का विचार करिए तो विवाह भाव से पंचम भाव, विवाह भाव से नवा भाव जरूर देख लीजिए। अगर विवाह भाव शुद्ध है, विवाह से पंचम सुख है, विवाह से नवम दुख है, कलेश है। कहते नहीं है कि ये भाव हमारा बहुत शुद्ध था और यहाँ पर कोई पापी ग्रह, या आपको तो नहीं पता होगा, ठीक है, जिन लोगों को मान लीजिए एहसास है, जिनको पता है, यहाँ पर अगर पापी कोई ग्रह बैठा है तो व्यक्ति जीवन पर्यंत वैवाहिक जीवन में दुखी रहेगा, जीवन पर्यंत संतुष्टि का भाव नहीं रहेगा। कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जन्म कुंडलियों में अलग अलग तरीके से ग्रह बैठे होंगे। तो विवाह से संबंधित देखिए, सूर्य केतु का ग्रहण दोष यहाँ पर पूर्ण रूप से असर करेगा। अग्नि तत्व की राशि, चर राशि, राहु की दृष्टि, किसी भी शुभ ग्रह की इस पर दृष्टि ना पड़ना, शनि अगर कहा जाए सूर्य पर पड़ना, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का विवाह 42 वर्ष की आयु के बाद होगा। शनि विलंब का कारक है, राहु पे शनि की दृष्टि पड़ना भी विलंब को दिखाती है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत कहते नहीं है कि राहु जो है विस्फोट कर देता है या जल्दी जल्दी परिणाम देता है, लेकिन जब भी राहु पे शनि की दृष्टि पड़े या शनि पे राहु की दृष्टि पड़े तो चीजों में और लंबा करेगा, और लंबा करना ही अच्छा है। इनका विवाह अगर कहा जाए 42 वर्ष की आयु के बाद होगा, एक, और तब तक दोष भी खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, इनका विवाह अगर कहा जाए 42 वर्ष की आयु के बाद होगा, मंगल अगर देखा जाए नीच के हैं, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम भाव में केतु का होना, मंगल ये दिखाता है कि व्यक्ति का विवाह कम उम्र की लड़की से होगा, ठीक है, उसमें शनि का, शनि मेन रूप से पूरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में, ऐसे में कहा जाएगा कि तीसरा चरण पूरा भाद्रपद शनि की तीसरी दृष्टि, कम से कम जो है 10 से 12 वर्ष की आयु से कम की लड़की से इनका विवाह होगा। अब आपने पूछा है सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना उचित नहीं, सरकारी नौकरी नहीं है भाई, इसमें सरकारी नौकरी के लिए किसी प्रकार का कोई योग नहीं है, ठीक है, इसमें योग है सरकारी तंत्र से लाभ जरूर है, जो मैंने आपको बताया, जिस तरीके से बताया वो भी मैंने आपको बताया कि सरकारी तंत्र से लाभ जरूर मिलेगा, अधिकारियों से राजनेताओं के लाडले बन के रहेंगे, जनता के बीच में काम करेंगे, कोई भी काम हो सकता है, किसी प्रकार का राजनीति मत समझिएगा इसको, जनता के बीच में काम करेंगे, जनता से जुड़ के काम करेंगे, और ऐसा भी निकाला जाएगा समर्पित नहीं होंगे, ठीक है, वो पैसा कमाने के लिए ही जनता से जुड़ेगा आदमी। ये दिखाता है शनि की सप्तम दृष्टि चंद्रमा, कर्म का मालिक होके चंद्रमा, मंगल अगर देखा जाए नीच के होके सप्तम दृष्टि, व्यक्ति जो है केवल जुड़ेगा इस काम से कि अपना धन निकालना है, फिर भी सफल रहेंगे उसमें संदेह नहीं है, जीवन में अच्छा धन कमाएगा बालक। इस तरीके से कुछ योग मैंने बताया। देखिए एक चीज समझ लीजिए, ज्योतिष सीखना इतना आसान भी नहीं है, और सीखने के लिए जब तक अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, रटिएगा मत कभी भी, नहीं तो ज्योतिष कभी नहीं सीख पाएंगे, रट्टा तो थोता मत बनिएगा, बस लगे रहिएगा, रमे रहिएगा, ज्योतिष समुंदर है, समुंदर में जितना गोते खाएंगे उतने ही अच्छे होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।